अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गर्डन रोड कैसे लगाते हैं। गाइस यहाँ पे देखो, ये गर्डन रोड इंस्टॉल कर दी है। पहले मैं थोड़ा सा बाद में आया था, पहले इंस्टॉल कर दी है गर्डन रोड, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये लगती कैसे है। इसके सबसे पहले ब्रैकेट लगा जाते हैं। एक ब्रैकेट लगेगा इस तरफ का, लगा लो। चाहे आप पहले इस तरफ का भी लगा सकते हैं, कोई सा आपकी मर्जी हो कोई भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद जो है उसको सीधी करनी पड़ती है, ठीक है। एक ब्रैकेट के ऊपर रोड रखने के बाद इसको सीधी करनी पड़ती है, स्ट्रेट में लेवल में करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद जब दूसरा ब्रैकेट हमारा लग जाए तो इसके बाद तीसरा लगाना पड़ता है। अगर लेंथ ज़्यादा लंबी हो तो आपको तीन ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे बीच में। जैसे यहाँ पे तीन ब्रैकेट लगे हैं, इसकी लेंथ ज़्यादा लंबी है, 9 फुट की रोड है, इसकी लेंथ बहुत बड़ी है, तो इसमें तीन ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर छोटी वाली रोड होगी तो उसके अंदर दो ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है गाइस। तो ये तो था गर्डन रोड लगाने का प्रोग्रेस। अब मैं आपको इसकी छोटी वाली रोड दिखा देता हूँ, उसमें आपको कैसे करना है, ठीक है गाइस। ये देख लो, यहाँ पे लेंथ छोटी है रोड की, तो यहाँ पे दो ही ब्रैकेट लगे हैं, ठीक है गाइस। ये देखो, एक इधर लगा है, एक लेफ्ट में लगा है, एक राइट में लगा है, ठीक है गाइस। तो अगर छोटी लेंथ है तो छोटी में तो आप दो ही ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी ड्रिल की आवश्यकता पड़ेगी, पेशकश की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर, ठीक है गाइस। इंची टेप की आवश्यकता पड़ेगी इसके अंदर। बाकी ये तो पहले स्टेप में तो आपका कर्टन रोड का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आती है दूसरे स्टेप की बारी, ठीक है। अब दूसरा स्टेप भी आपको दिखाते हैं। गाइस आज हम आए हैं फ्लैट के अंदर और यहाँ पे काम होगा, तो काम आपको भी दिखाएंगे हम कैसे कैसे होगा काम। और गाइस सबसे बड़ी बात ये है, हम आपको आज 7-8 स्टेप में आपको पूरा काम करके दिखाएंगे। पूरे 8 स्टेप के अंदर आपको पूरा काम फिनिश करके दिखाएंगे, ठीक है गाइस। तो फिर मैं आपको पहले एक बार लोकेशन दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे क्या होना है, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे लगेगा आरओ, ये आरओ की जगह है, ठीक है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लगेगा आपका नल, ठीक है। यहाँ पे भी लगानी है, यहाँ पे नल लगेगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे जो खाली जगह दिख रही है आपको, ये वाली खाली जगह है जोन सी, यहाँ पे एडजस्ट फैन लगेगा, यहाँ पे एक पाइप जाएगा इसके अंदर, ठीक है। यहाँ से इसके अंदर अटैच होकर पाइप लगेगा इसमें, ठीक है गाइस। गाइस एक यहाँ पे बैल लगेगी, यहाँ पे बैल लगेगी, ठीक है गाइस। जब लग जाएगी वो भी दिखाएंगे गाइस। यहाँ पे लगेगा हैंगर, यहाँ पे टावर रोड लगेगी इधर साइड गाइस। ये बाथरूम के अंदर का दरवाजा है, इसमें भी यहाँ पे हैंगर लगेगा इसके साथ। और यहाँ पे कॉर्नर लगेगा इस जगह पे, यहाँ पे लगेगा एडजस्ट फैन, ठीक है गाइस। यहाँ पे तो वाई लगा हुआ है, ठीक है। लगेगी टावर रोड, हमारी टावर रखने वाली रोड, आपका कॉर्नर साइड में, कॉर्नर साइड में कॉर्नर लगेगा। ये बाथरूम का डोर है, इस पे अंदर हैंगर लगेगा, क्लॉथ हैंगर बोलते हैं उसको, वो लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे लगेगी कर्टन रोड। तो ये हमारा काम हो गया समाप्त। अब आपको एक एक करके दिखाएंगे सब कुछ कैसे कैसे होगा पूरा, एक एक 8 स्टेप के अंदर फुल वीडियो गाइस। अब ये है दूसरा स्टेप, इसमें क्या करेंगे हम बेल लगा के दिखाएंगे आपको बेल कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो गाइस पहले बेल के अंदर दो पॉइंट पहले से ऑलरेडी होते हैं, कहीं कहीं तीन भी होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे तीन पॉइंट है, एक न्यूट्रल होता है, एक हाफ होता है और एक आपका अर्थिंग होता है, ठीक है। तो अर्थिंग वाला हमको छोड़ देना है, उसकी ज़रूरत नहीं होती इसमें। और बाकी जो दो तार न्यूट्रल और हाफ, उसमें दोनों कनेक्शन कर देने हैं और लगा देनी है। ऐसे कील लगा के या ड्रिल करके ऐसे भी लगा सकते हैं आप। इसको देखो, अब इसको बजा के आपको दिखाते हैं गाइस। देखो ये बजा के दिखा रहे हैं, अभी देखो ये हमारी बेल लग चुकी है, ठीक है गाइस। अभी हम इसको, ये स्टेप हमारा सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया है। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में आते हैं अभी, ठीक है गाइस। ये वाला तो हमने खोल दिया है, ठीक है गाइस। अब हम इसके अंदर एक्सटेंशन लगाएंगे, ये एक्सटेंशन है, इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर है, इस वजह से ये लगाना पड़ रहा है। अगर बाहर होता तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इसको पहले लगाते हैं, पहले टेप रोल कर लेते हैं, फिर उसको दिखाते हैं। ये देखो भाई, ऐसे टेप रोल लगाई जाती है इसमें, ये टेप रोल लगा रहे हैं हम इसको, टेप रोल ये लगा रहे हैं टेप रोल। पहले इसको टेप रोल करी जाती है ताकि ये लीकेज ना मारे, कल के दिन ये लीकेज हो जाएगा फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमने टेप रोल कर दिया है इसको, और ये तो हमने साइड कर दिया। अभी ये है, इसको भी हमें टेप रोल करना पड़ेगा। ये टेप रोल, इसको टेप रोल बोलते हैं, मार्केट में सस्ती मिल जाएगी आपको, 20 रुपीज़ की आती है, मात्र 20 रुपये की मिल जाएगी। हार्डवेयर स्टोर से मिल जाती है, सैनिटरी शॉप से मिल जाएगी, हार्डवेयर स्टोर से मिल जाती है, और हमारी शॉप पे भी है, इलेक्ट्रिकल शॉप है जो हमारी, उस पर भी है। हम भी रखते हैं इसको, पीवीसी कनेक्शन वगैरह, ये एक्सटेंशन रोड वगैरह, ये सब रखते हैं हम अपने पास। इस पर हम
सबसे पहले नल खोलेंगे, उसके बाद जो है ये टेप रोल लगाएंगे, उसके बाद हम इसको रेडी कर लेंगे। ठीक है गाइस, हेलो गाइस, ये ऐसे लगाएंगे इसको यहाँ पे, ये वाला इसके अंदर ऐसे डालेंगे, ऐसे करके लगा देंगे इसको। बार बार निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लगा जाता है एक्सटेंशन की मदद से। Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands. ये हमारे पास एम्पल वाइट फैन है, ये 1200-1300 की रेंज में आपको मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है भाई, अब हम बात करते हैं इसकी लगाने की, उसको लगाते कैसे। सबसे पहले तो इसको अनबॉक्स कर लेते, मैंने तो अनबॉक्स पहले से कर लिया है, अगर आपके पास नया तो अनबॉक्स पहले करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो पट्टी आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली पट्टी, ये इसको आपको निकालना पड़ेगा, ये तभी रख पाएगा। ठीक है, देखो अभी तो छोटा फैन है और ये साइज जो है बड़ा है। ठीक है, अब हम इसको जो है सही करते हैं और इसके ये निकालते हैं, निकालने के बाद आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसको ऐसे निकालना पड़ता है पेचकस की मदद से, एक हथौड़ी से ये होती है, पेचकस की होता है। ठीक है भाई, इसको ऐसे निकालते हैं साइड से। ठीक है, हाँ देखो भाई, ये पूरी हमने निकाल दी है, कि इसके अंदर शीशा है, इसको निकाल निकाल रहे हैं। ठीक है भाई, शीशा मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, ये शीशा हमने पूरा इसका निकाल दिया है भाई, पूरी सीट बाहर निकाल दी है, अब ये पूरा हमारा खाली हो गया है। ठीक है, अभी हम इसको लगा के आपको दिखाएंगे। ठीक है गाइस, ये वाली सीट है वहाँ पे लगेगी, पहले ये वाली सीट लगेगी वहाँ पे, देखो इसका साइज 10x10 का है। ठीक है गाइस, पहले इसके अंदर गोल कटिंग होगी, वहाँ पे होल कर दिया है, तो होल में तो लगेगा नहीं फैन सीधा, तो इसकी ये 10x10 की सीट है हमने मंगाई है, और ये LF की सीट होती है, ना तो टूटती है ना ये फूटती है, कुछ भी नहीं होता इसका। ठीक है, LF की सीट होती है, वाटर प्रूफ होती है, और इसके अंदर बिल्कुल छेद गोला काट के आपको दिखाएंगे, तब ये वहाँ पे जाकर सेट करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर गोला काटते हैं पहले। देखो गाइस, पहले इसको ऐसे निशान करा जाएगा, पहले इसको मार्क करा जाएगा, इस पर रख के फैन के ऊपर रखना है पहले आपको, फिर उसके बाद मार्क करना है इसको। ठीक है, फिर मार्क करने के बाद जो इस पर निशान आएगा उसकी कटिंग कर देनी है। ठीक है गाइस, कटिंग भी आपको दिखाएंगे। देखो गाइस, की कटिंग ऐसे होती है, देखो ऐसे कटिंग किया जाता है, बिल्कुल फ्रिज के साथ, मिक्सी के साथ, देखो ग्राइंडर से काट सकते हैं आप। ठीक है गाइस, देखो गाइस, ये कट के फाइनल हो चुका है हमारा, अब हम इसको लगाएंगे उधर जाके। ठीक है गाइस, गाइस ये हम वहाँ से कटिंग करके लिया है, इस जहाँ पे कटिंग हुई थी अभी आपको दिखाया था, अभी ये कुछ ऐसा है। ठीक है गाइस, ये साइज 10x10 का है। ठीक है, ये ऐसा है देखने में। ठीक है, अब हम इसको लगाते हैं यहाँ पे, तो लगा दिया है, अब इसको बंद करके दिखाते हैं आपको। स्टार्ट गाइस, ये लगा दिया, देखो पूरा कम्प्लीट फ्रेम लगा दिया है, साइड ये भी। ठीक है, अब ये हमने तैयार कर दिया है, अब इसके अंदर हम एडजस्ट फैन लगाएंगे। ठीक है गाइस, देखो ये हमारा एडजस्ट फैन है, ये वाला पहले जोड़ दी थी, अब हम इसको टेप कर रहे हैं गाइस, तार से जोड़ दिए, वायर जोड़ दिए इसके अंदर, और यहाँ पे हम इसको लगाएंगे, सॉकेट में कनेक्ट करेंगे, तो हमारा फैन चलने के लिए तैयार हो जाएगा।
देखो गाइस हमारा फैन बिल्कुल चल के तैयार हो गया, रेडी हो गया एकदम। ठीक गाइस जैसे जैसे मैंने इसमें आपको दिखाया है इसकी बिल्कुल वैसे ही सेटिंग होती है, उसकी सेटिंग पहले से करी जाती है। मैंने तो आपको करके दिखाया है, सब आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा, आपको भी करना है कहीं घर में या कहीं भी ऑफिस में घर में बाथरूम में कहीं भी करना है आपको, तो आपको ये सब अरेंज करना पड़ेगा पहले, उसके बाद ही हो पाएगा। ठीक है भाई, तो हमने ये कंप्लीट कर दिया है, फैन पे हमारा रेडी हो गया। चलिए गाइस ये वाला तो ये तो आ गया काम था, ये तो हो गया फिनिश। अब इसके पीछे का जो काम होगा वो भी आपको दिखाएंगे। गाइस ये हमने लगा दिया है पाइप पूरा, इसके अंदर बाहर निकाल दिया है। ठीक है, ये वो अंदर का था, ये है बाहर का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टेप लगा के इसको फिनिश कर दिया है और ये पाइप पूरा बाहर निकाल दिया। अब इसकी जो बाथरूम की जो स्मेल होगी ना, जो उसकी बदबू वगैरह आती है तो सीधा बाहर जाएगी, ये किचन में नहीं आएगी, किचन का एरिया है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ये तो हमने चौथा स्टेप था, ये हमने आपको वीडियो में भी कर दिए है, चार स्टेप हो गए, तो चारों में चार स्टेप आपको पूरा। ये है पाँचवा स्टेप। ठीक है, ये आप देख लो, इसको पत्ती बोलते हैं, हैंगरी बोलते हैं, ग्रोथ हैंगरी बोलते हैं, तीन चार इसके नाम है जो कि आप इस में है वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, हर तरह की दुकान में बिल्कुल आसानी मिल जाती है। अभी लगाइए पाँचवा स्टेप है, वो इसी का है, आप क्या देख रहे हैं गाइस यहाँ पे लगेगा देखो। ठीक है, अभी मैं इसको लगा के भी दिखा देता हूँ आपको, ये बाथरूम दरवाजा हो, रूम का दरवाजा हो, कहीं भी लगा सकते हो आप, ऐसे लगा सकते हैं इसको, जिससे सेंटर कर लेना है पहले दरवाजे का, और यहाँ पे ये एक ये हमारा दूसरा हो गया। देखो भाई ये हमारा दूसरा हो गया, दो लग गया, लेकिन ये लग गया हमारा फाइनल। तो ये था गाइस, गाइस ये है छठा स्टेप, इसको बोलते हैं टावल रोड, तौलिए की रोड और कपड़े टंगाने की रोड, इसको आप कुछ ही बोल सकते हैं। तो हम इसको निकालते हैं और ये हार्डवेयर के स्टोर से आपको आसान से मिल सकता है, और ये आ जाएगा कम से कम 400-500 रुपये का आ जाता है, 400 या 500 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो हम इसको लगा के दिखाएंगे आपको। ठीक गाइस, ये वाला है बाथरूम, ये दरवाजा है बाथरूम का, ये लगेगी यहाँ पे, देखिए उसके दरवाजे का डिस्टेंस देख लेते हैं कितना है, दरवाजा हमारा यहाँ तक आएगा, ये हमारा दरवाजा आएगा यहाँ तक, तो हमें इसे बाहर ले जानी है, हमें इसे अंदर अंदर लगा दिए। ठीक है गाइस, तो हम इसको लगाएंगे यहाँ पे लगा देते हैं, जॉइंट पे लगाने, जॉइंट है टायर का जॉइंट होता है, उस पर नहीं लगानी है आपको, या तो इधर लगानी है फिर इधर लगानी है। ठीक है गाइस, हम इसको लगा देते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ठीक रहेगी। ठीक है गाइस, तो गाइस सीधी यहाँ पे बिल्कुल निशान लगा रहा है बोलो, दो होल हो गए गाइस। अभी इसमें ड्रिल तो कर दिए, कितनी फंसा दी है, अभी इसको पेच कसना है। ठीक है, पेच चारों लगा दी है, फंसना है। ठीक है भाई, ऐसे कसना है इसको, हो चुकी है। तो छठा स्टेप जो है हमारा वो पूरा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, लगभग पूरा कंप्लीट हो गया है, ये छठा स्टेप था हमारा। ठीक है गाइस, ये है हमारा सातवा स्टेप, इसको बोलते हैं कॉर्नर, ये बाथरूम में लगता है, जहाँ पे कोना होता है उसमें लगता है कॉर्नर, इसीलिए बोलते हैं ये बाथरूम में लगता है ना कोने की जगह। ये देखो, ये तीन का सेट आता है गाइस, देखो ये मिल जाएगा आपको 750-750 रुपीज का मिल जाता है। ठीक है, और गाइस अभी हम इसको अनबॉक्स कर लिया है, इसको लगाएंगे उधर लगा के आपको दिखाएंगे, सातवा स्टेप है और आठ स्टेप के अंदर ये वीडियो पूरी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है अभी गाइस, ये है बाथरूम जिसमें लगेगा, यहाँ पे लगेगा कॉर्नर, ये कोना है इसमें लगेगा कॉर्नर, ये देखो गाइस ये कोना है यहाँ पे लगेगा, लगा के दिखाते हैं आपको। गाइस सबसे पहले लगाने के लिए इसको ड्रिल करेंगे पहले, सबसे पहले ठीक है, देखो गाइस ड्रिल तो कर दी है, अब इसके बाद जो है इसके अंदर गिट्टी लगाई जाएगी, गिट्टी प्लास्टिक वाली गिट्टी होती है उसको लगाई जाएगी। ठीक है, देखो भाई लगा भी दिए गिट्टी इसके अंदर, एक ये कर दिया इधर, उसके बाद इसको लग चुका है, सातवां स्टेप हमारा फाइनल हो चुका है, इसको ऐसे करके लगाते हैं, पहले लेवल में करते हैं, उसके बाद इसको ड्रिल करते हैं, उसके बाद इसमें गिट्टी लगाते हैं, फिर उसके बाद इसके अंदर पेच लगाते हैं, फिर उसके बाद पेच सब कुछ लगाने के बाद ये ऐसा दिखता है। ठीक है गाइस, ये देखो ये ऐसा है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। ठीक है गाइस, ये हमारा सातवां स्टेप पूरा हो चुका है कंप्लीट। गाइस आज की जो वीडियो है एक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। ठीक है गाइस,
और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की वीडियो 7 स्टेप में हमारी कंप्लीट हो गई है। काम तो अभी भी और भी है, वीडियो तो और भी बना लेता क्योंकि इसलिए नहीं बना रही, ये जो वीडियो है ये बहुत लंबी हो जाएगी। ये 10-12 मिनट की वीडियो हो चुकी है लगभग। तो गाइस ये वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखना गाइस, वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है आपको। ठीक है, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और जो हमारे चैनल पर पुराने हैं वो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कर देना। आगे आपको वीडियो आगे भी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आएगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।